घटनाक्रम को लेकर निंदनीय घटना है, क्या कुछ अभी तक आपकी तरफ से पूरा जो रोड मैप वो रहा है, कैसे देख रहे हैं? ये काफी बड़ी घटना है। घटना होते ही एसपी मैडम और पहुंच गए थे, पूरी टीम पहुंच गई थी, आईजी साहब भी आ गए, तो कल से लोग मेहनत कर रहे हैं और काफी कुछ क्लूज मिले हैं और अलग अलग जगह टीमें बनाई है, टीमें भेजी है और सिर्फ भिवाड़ी जिले की नहीं पूरे जयपुर रेंज से टीमें बुलाई है और हमारे ऑफिस के भी जो एजीटीएफ की एक टीम भी आई हुई है, वो भी मेहनत कर रहे हैं और इसको हर तरह से हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कुछ ठोस मिले हैं। इसके अलावा इसके भिवाड़ी के आसपास के जितने भी जिले हैं, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के जिले, उन्हें सब एसपी भिवाड़ी की बात हुई है, उनको सारे डिटेल्स भेजा है, उनकी टीमें भी काम कर रही है। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल सेल, दिल्ली क्राइम ब्रांच है और हरियाणा एसटीएफ है, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया है। काफ़ी कुछ क्लूज मिले हैं, उम्मीद है बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। कुछ चीज़ें होती है सर, और कोई समय भी होता है किसी बात को करने का, कई बार चीज़ें आती, संसाधनों की बड़ी कमी आती है जिसके कारण कई बार जो हमारे अधिकारी कर्मचारी वो भी समय पर मौके पर उचित काम शायद नहीं कर पाते, इसको लेकर क्या प्रभावी कदम उठाए जाएंगे? इसमें तो अब संसाधनों की वो तो हमेशा पहले भी रही है और लेकिन इसमें हमारी टीम पुलिस बहुत जल्दी मौके पर पहुँच गई थी और अभी जो संसाधन अभी यहाँ भिवाड़ी में है प्लस राजस्थान पुलिस के पास है, हमें उम्मीद है इन संसाधनों से पकड़ लेंगे और काफ़ी टीमें भी हमने बाहर भेजी है, अलग अलग जिलों में गए टीमें और कुछ जगह रेड्स भी किए, यहाँ भी कुछ संदिग्धों को उठाया, उनसे पूछताछ चल रही है और जो पुराने जो बदमाश है उनको भी टच कर रहे हैं और सब गांव वालों को भी ये वीडियो भेजा है, जितने भी आसपास के जो विलेजेस से और जो हरियाणा के कुछ विलेजेस से वहाँ भी भेजा, वहाँ एसपी भी कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी उनको पकड़ लेंगे। अलग बात है, ड्यूटी ऑफ पार्ट है, आपका आना हुआ है, जैसे ही आप आए हैं भिवाड़ी के लोगों को एक उम्मीद जगी है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उससे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी खुलासा हो सकेगा कुछ किस क्षेत्र में और कोई क्लू कोई मिला हो कैसे देखेंगे। एक तो हमारे एसपी और आईजी खुद ही कल से लगे हुए बहुत मेहनत कर रहे और एडीजी क्राइम की तौर पर भी, और क्योंकि बड़ी घटना है उस वजह से भी मुझे आना पड़ा और मैंने भी सबसे अधिकारियों से बात की है, उनसे हमारे भी जो अनुभव की जो भी है उनको शेयर किया है और यहाँ अच्छी टीम है, अच्छे मेहनत कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे। सर आज धरना प्रदर्शन था, किस तरह का आश्वासन देके धरना प्रदर्शन उठाया गया, मामले को सतर्क किया गया, कितना क्या आश्वासन उनको दिया गया? नहीं, इसमें कोई भी वारदात हो उसमें यही आश्वासन है बहुत जल्दी इनको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद हम कोशिश करेंगे इसको फास्ट ट्रैक में ट्रायल चलाएंगे, डे टू डे हियरिंग करा के और स्पेशल पीपी अपॉइंट करवाएंगे हम जयपुर से और यहाँ के जो सबसे अच्छे एडवोकेट है उनको हम स्पेशल पीपी रख के और स्पीडी ट्रायल करा के सबको सजा कराएंगे।